हेलो फ्रेंड, मैं उसी आने में स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैंड ब्लाउज डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई देखिए 10 इंच है। सूले की चौड़ाई 5.5 इंच रखें और मोल की भी 5.5 इंच है। गले की चौड़ाई जो रखी हूँ मैं 2.5 इंच रख रही, 2.5 इंच। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चौड़ा गला पहनना चाहते हैं। नीचे की साइड से 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लेंथ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं 10.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ से मार्क कर लेंगे बिल्कुल बराबर में और गले के डिज़ाइन का मार्किंग कर लेंगे। ये डिज़ाइन की मार्किंग मैंने गले कर दी है। सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग भी कर देंगे। अब इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक आपको लेना है और इसकी भी कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का कट किया है। तो गले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट कर लीजिएगा। अब दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में बिल्कुल बराबर में रख देंगे। अब क्या करेंगे, गले को स्टिच करेंगे। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखिएगा और सिलाई लगाते हुए इस गले की परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ में अटैच कर दिया है। इसके गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से ये प्रॉफिट रहता है, जब गले को आप पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। मैंने कट लगाने के बाद इसको देखिए गले को अच्छे तरीके से पलट कर सीधा कर दिया है। इसके गले पे एक सिलाई लगाते इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे, इससे डिज़ाइन उभर कर दिखने लगेगी। ये देखिए गला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है। ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों अटैच हो चुका है एक दूसरे के साथ में। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। नीचे की साइड बिल्कुल बराबर माप लेते हुए टक्स को फोल्ड कर लीजिएगा, फिर सिलाई लगाते हुए अच्छे से टक्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड से मैंने टक्स लगा लिया है, दूसरे साइड से माप लेंगे, बराबर में टक्स को लगा देंगे। तो मैंने दोनों साइड से इस पर टक्स लगा दिया। नीचे का बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने देख लीजिए अस्तर का ये फैब्रिक लिया, इसको बराबर नीचे की साइड से आपको रखना है और सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है ब्लाउज के साथ में ही। अब क्या करेंगे, जो पट्टी मैंने अटैच किया इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग की स्टिचिंग इसकी हो चुकी है। हम नीचे की साइड डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर अच्छे से सिलाई लगा के ज्वाइंट करने के बाद स्टिच कर देंगे बॉर्डर को भी। देखिए ब्लाउज के नीचे की साइड से मैंने बॉर्डर कम्प्लीटली बना दिया है। अब क्या करेंगे, इसके गले पे डिजाइन करना है। ब्लाउज साइड रखते हुए मैंने देख लीजिए पट्टी काट की है। पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी 1.5 इंच 1.5 इंच। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा आपको फोल्ड करना है और बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर देना है। फिर साइड से सिलाई लगाते हुए जो मैंने फोल्डिंग की है उसके साइड से दोनों पार्ट को दूसरे के साथ में स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देख लीजिए पूरा एंड तक इसकी स्टिचिंग कर दी है। दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते हुए इसको पूरा अच्छे से स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, इस पट्टी को मैं देख लीजिए 2 इंच की लंबाई पे माप लेते हुए कट करूंगी। तो 2 इंच के बराबर से जितनी पट्टी आए सबको फोल्ड कर देनी है आपको और लेंथ इक्वली होनी चाहिए। और इसको कटिंग करके दोनों पार्ट से अलग अलग कर देंगे, दोनों साइड से अलग अलग पार्ट में कर देंगे। मैंने कटिंग करके इसको अलग अलग पार्ट में कर लिया है। जो पट्टियाँ कट की इसको साइड रखेंगे और ये मैंने दूसरी डिज़ाइन एक पट्टी कट की डिज़ाइन बनाने के लिए इसकी चौड़ाई रखी मैंने देखी 2.7 इंच। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, फिर साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को दूसरे के साथ में स्टिच कर लेंगे। अब स्टिचिंग करने के बाद इसको आपको पलट कर सीधा करना है। तो एक साइड से इसको प्रेस करते हुए पलट कर सीधा कर देंगे।
ये सीधा हो चुका हाथ में थोड़ा बराबर प्रेस करने के बाद मैंने इसको देख लीजिए। अब डिज़ाइन बनाने के लिए 3 इंच की लंबाई पे कट कर दी, तो 3 इंच के बराबर जितने फोल्ड हैं सबको फोल्ड कर देंगे और दोनों साइड से कटिंग करते हुए इसको अलग अलग कर देंगे। अब इसको क्या करना है आपको देख लीजिए। मैं इसको एक डिज़ाइन लूँगी इसकी पट्टी वाली और इसको 20 से बिल्कुल बराबर में फोल्ड कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, 20 से फोल्ड करने के बाद यहीं से छोटे छोटे पार्ट में इसको स्टिच करेंगे। और सिलाई लगाते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको देख लीजिए, मैंने इस तरीके से एंड तक कर दिया है। फिर यहाँ से टाइट में इसको बिल्कुल धागे से टाइट गांठ लगा लेंगे। और इसकी डेकोरेशन करने के लिए चुन्नट की उसके बना लीजिएगा अच्छे से। फिर एक मोती लगा देंगे, छोटी वाली में मोती लगा रही हूँ, आप चाहे तो बड़ी वाली मोती भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। नीचे इसके रॉन्ग साइड से पीछे की साइड से गांठ लगा लीजिएगा। तो एक डिज़ाइन बन चुकी है, इस तरीके से दूसरी डिज़ाइन भी बना के आपको दिखा देती हूँ। और जिस तरीके से मैं ये डिज़ाइन आपको बना के दिखा रही हूँ, ऐसे आपको इसके जितने भी पट्टियाँ हैं सबका डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए मेरी दूसरी डिज़ाइन भी बन चुकी है, ऐसे मैंने पूरे डिज़ाइनों को बना दिया है सेम। इनको जो साइड रखेंगे, और मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके रखे हैं। इसके ऊपर ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके बिल्कुल बराबर रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, जैसा ब्लाउज का नीचे का गला है उसी तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर मार्क कर देंगे। ये मार्किंग हो चुकी है ऊपर के साइड से, मैं देख लीजिए 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग कर रही हूँ, और नीचे के साइड 1 इंच साइड से और 1 इंच नीचे के साइड से एक्स्ट्रा मार्किंग कर देंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे उसी तरीके से। ऊपर की साइड से आपको 2 इंच लेना था मार्क से, नीचे की साइड से 1 इंच लेना था। तो आपको समझ में आया होगा मैंने ये डिज़ाइन ले लिए बटरफ्लाई वाली, जितनी डिज़ाइन है सबको इस तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर बिल्कुल बराबर रखना है। गैपिंग नहीं देनी है आपको डिज़ाइन में, ऊपर की साइड से बिल्कुल भी गैपिंग मत दीजिएगा। थोड़ा सा डिज़ाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बनाइएगा, क्योंकि नीचे की साइड से डिज़ाइन जाके फैल जाता है। तो मैंने देखिए डिज़ाइन को अच्छे से स्टिच कर दिया है, ऊपर के साइड से नीचे के साइड से भी अटैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल बराबर कर दे, इस साइड से भी अटैच कर देंगे डिज़ाइनों को। तो दोनों साइड से मैंने डिज़ाइन स्टिच करने के बाद इसको साइड रखेंगे, और मैंने एक पट्टी ली स्ट्रेचबल है, इसको क्रॉस में कटिंग किया, इसको डबल फोल्ड करके साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को दूसरे के साथ में स्टिच कर देंगे। अब जो मैंने ये पट्टी बनाई है इसको साइड रखते हुए डिज़ाइन लेंगे, डिज़ाइन के ऊपर के साइड से इस पट्टी को अच्छे से स्टिच कर देना है आपको। मैंने देखिए पट्टी को स्टिच कर दिया, एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे, राउंड करते बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे, पाइपिंग को सिलाई लगाते अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये पाइपिंग बन चुका है। अब जो मैंने लूप्स वाली डोरियां कट पट्टियां बनाई थी उनको ले लेंगे, और पट्टियों को आपको डबल फोल्ड करते लूप्स बनाना है, फिर डिज़ाइन के नीचे की साइड से रखते हुए स्टिच कर देना है इसके साथ में, और बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग रखते जाना। इसी तरीके से गैपिंग रखते हुए पूरे लुक को अटैच कर दीजिएगा। ये पूरे लुक्स को अटैच कर दिया है। अब इस डिजाइन को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए मैंने ये मोती ले ली गोल्डन कलर की। जितनी भी डिजाइन है लुक्स बने सभी के 20 से एक एक मोती को स्टिच करेंगे। इस तरीके से पूरा डेकोरेशन कर लीजिएगा। ये कम्प्लीटली बन चुकी है। इसके साथ में ब्लाउज को बराबर बिल्कुल अटैच करेंगे, फिर सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे ब्लाउज और डिज़ाइन को दोनों को साथ में ही। तो मैंने देखिए दोनों को स्टिच कर दिया, साथ में इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। लेस ले लिया है, लेस को बिल्कुल कॉर्नर से रखेंगे, सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। नीचे की साइड से 1/2 इंच का देखिए गैपिंग रखते हुए फिर अटैच कर रहे हैं लेस को। ये देखिए कम्प्लीटली मैंने ब्लाउज की डेकोरेशन कर दी है। जो डिज़ाइन बनाने के लिए न्यूज़पेपर यूज़ किया था इसको पूरा रिमूव कर देना है। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं मेरी डिज़ाइन आपको कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।